देखिए उत्साह देखे ही ऐसे ही पार्टी बनती है और कैसे बने। आज हम लोग यहाँ आए हैं कांग्रेस के नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने अखिलेश प्रसाद सिंह अभी अभी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उनका भव्य रूप से कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। तो वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह कैसे बिहार में कांग्रेस को मजबूत करेंगे, इसको लेकर जो है तमाम चर्चाएं होंगी। तो वहीं बता दें आपको कि जब हमने अखिलेश प्रसाद सिंह से बात किया तो अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह साफ कहा, देख रहे हैं ना जुलूस किस तरीके से कार्यकर्ता खड़े हैं। वहीं उनसे सवाल किया गया कि कैसे कांग्रेस को मजबूत करेंगे, तो उसको लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह साफ कहा कि हम कांग्रेस को मजबूत करेंगे। तो वहीं बता दें आपको कि सुबह 11 बजे से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो है भीड़ लगा हुआ था। अभी कुछ देर पहले पटना एयरपोर्ट पर अखिलेश प्रसाद सिंह पहुंचे हैं। वहीं बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नए बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने अखिलेश प्रसाद सिंह, वो सुने आप लोग। सबको खुशी है, पूरा बिहार में खुशी का माहौल है। उत्साह देख के ही ऐसे ही पार्टी बनती है और कैसे बने। आज हम लोग यहाँ आए हैं और तो आपने सुन लिया अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे थे। बता दें आपको कि कुछ ही समय पहले जो है अखिलेश प्रसाद सिंह पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तो वहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में जो है कहीं ना कहीं खुशी का लहर है, तमाम कार्यकर्ता खुश हैं। तो काफी जोश में कार्यकर्ता दिख रहे हैं। बता दें आपको कि तमाम कार्यकर्ता लगातार यह कह रहे हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो है कांग्रेस पार्टी को बिहार में बहुत आगे लेके जाएंगे। तो वहीं कांग्रेस को बिहार में काफी मजबूत बनाएंगे। तो बता दें आपको कि मिशन 2024 और 25 को लेकर भी तैयारी चल रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह से जब हमने सवाल किया तो उनका साफ कहना था कि देख रहे हैं ना जुलूस जिस तरीके से तमाम लोग आए हैं। तो साफ साफ अखिलेश प्रसाद सिंह का यह कहना है कि 24 और 25 को कहीं ना कहीं देखते हुए पूरे तरीके से तैयारी करेंगे। तो वहीं कांग्रेस को बिहार में कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर भी तमाम चर्चाएं होगी। तो वहीं अखिलेश प्रसाद सिंह का क्या कुछ कहना था आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।